अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। प्रोटेस्ट के लिए आई हैं? बिल्कुल। कैंसिल हो गया, अभी आरओ ऑफिस की जानिब जा रहे हैं। जी, हमें आईडिया है अल्हम्दुलिल्लाह। जाएंगी आप अभी वहाँ? बिल्कुल जाएंगे, हर जगह जाएंगे। हर जगह जाएंगे, बच्चों के साथ निकली में कोई डर खोफ नहीं लग रहा है? यहाँ पर तो बड़ी भारी नफरी मौजूद है पुलिस। कोई बात नहीं, किस बात का डर, इन्हीं के मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। अच्छा मुस्तकबिल हो इंशाल्लाह इनका। इमरान खान कर रहे हैं सारा कुछ हमारे लिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं, जेल में है इतना बड़ा लीडर, और कितनी ज्यादती और जुल्म। तो इंशाल्लाह ताला उनकी आवाज़ पे हम लब्बैक कहेंगे। इयाका नाबुदु व इयाका नस्तईन, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरी बहन कब से मौजूद है? मैं काफ़ी देर से यहाँ पे मौजूद। क्या मंजर देखा है? बस देखा है कि हमारे वेपन्स जो हम साथ लेके निकले हैं, टाइम बॉम्ब्स जो लेके निकले हैं ना, उनको लेने के लिए पुलिस माशाल्लाह से हमारे भाई हैं, इनको क्या कहना चाहिए यार। ये यहाँ आके खड़े हो गए हैं हमसे ये कहने के लिए कि हम यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं करें। भाई हमारे हाथों में कुछ है? कोई वेपन्स लेके निकले? कुछ भी नहीं लेके निकले, बस अपने बेटर फ्यूचर के लिए निकले। हम इमरान खान के लिए नहीं निकले, हम अपने बेटर फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान के लिए निकले हैं, हम अपने बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए निकले हैं, हम वोट के लिए निकले हैं। जी जी, वोट दिया है ना, वो वोट हम ऐसे जाया नहीं होने देंगे। हम अपने वोट के लिए निकले हैं और हम अपने वोट की हिफाजत करेंगे, हम अपना वोट किसी को ऐसे नहीं जाने देंगे। अच्छा आपका एनए कौन सा है बताइएगा? हम लोगों का एरिया ये गार्डन टाउन है। मैं खुद पोलिंग वहाँ पे वो स्टेशन पे थी, वहाँ पे इन्होंने कोई किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि मैंने खाना लेके आई, मैंने पोलिंग एजेंट्स को खाना खिलाया वहाँ पे, किसी ने कोई रोका टोका नहीं। लोग खड़े होके कह रहे थे हम पीटीआई को वोट कर रहे हैं, कुछ नहीं किसी को कह रहे थे, बिकॉज इनको पता था कि हम प्लान करके जो बैठे हैं वो हमने करना है, पर वो होने नहीं देंगे इंशाल्लाह ताला। अभी आपने देखा यहाँ पर तो लोग ही नहीं है। कहाँ पे? ये प्रोटेस्ट में तो नजर कैंसिल हो चुके हैं ना, सबको इतला भी मिल चुकी है कैंसिल हो गया है, क्योंकि आज इन लोगों ने फिर बनाया हुआ था कि 9 मई करना है इन्होंने, तो इसलिए पहले से वो सबको इतला मिल गई है, सब कैंसिल हुआ है वहाँ से भी। अभी तो इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे, लोग निकले नहीं है अभी भी। आप लोगों को बिलीव नहीं है कि लोग निकलेंगे? वोट इतने आप देखें तो सही, क्या क्या हुआ क्या है? आप फैमिली के साथ आई हैं? जी बिल्कुल, फैमिली के और साथ इंतजार कर रही हैं। अभी आगे का है कोई? नहीं, नहीं मैं जा रही हूँ, मैं खड़ी इसलिए, मैं देखने आई थी कि ये हो क्या रहा है मैं, लेकिन इसलिए जा रही हूँ क्योंकि कैंसिल हो चुका है। अगर होता तो मैं सबसे पहले होती। देन यू विल बी राइट बैक अगर दोबारा से स्टार्ट होता है इंशाल्लाह। जी जी सिस्टर, कहा कोई डंडा शंडा, कोई आप झंडा कुछ नजर नहीं आ रहा आपके पास? कल रही था प्रोटेस्ट हमारा कैंसिल हो गया, हमें हमारी जो है पूरा अमल एहतजाज कर रहे हैं, आप लोगों को भी नहीं करने दिया जा रहा। इन्फॉर्म कर दिया गया कि भाई 9 मई बनाने फिर आ गए हैं ये लोग। जब मियां साहब ने इन सबको यहाँ भेजा, उनसे जरा आप पूछे कि वोट कहाँ गए, क्या मतलब। अब आप देखें, आज 10th ऑफ चल रही है फेब्रुअरी, 11th ऑफ फेब्रुअरी है, अब 8 फेब्रुअरी को हमने वोट डाल दिया, आज 11 हो गए, अब कहाँ गए हमारे वोट? अभी तक इनके वोट की काउंटिंग ही नहीं हुई है, उनकी कैलकुलेशन जरा थोड़ा कमजोर है। ई वोट्स कर देते ना, इमरान खान कर रहा था ना इलेक्ट्रॉनिक वोट्स, आसानी से सब कुछ, इनको वो नहीं, बस अपने लगे हुए हैं पैसा बनाने के अंदर। बस आप देखिए, पहली दफा वोट कास्ट किया आपने? मेरा फर्स्ट वोट, फर्स्ट टाइम किया है, फर्स्ट टाइम ही कास्ट किया, और क्या चीजें देख रही हैं? रिजल्ट्स ही नहीं आ रहे, 3-4 दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, और अगर रिजल्ट्स दे भी रहे हैं तो वो अपने मतलब रात में लीड जा रही है पीटीआई की, मॉर्निंग में उठ के देख रहे हैं तो नून लीग की लीड होगी, ये कैसे होगी, किसने डाल दिया वोट? हमें तो उन्होंने वोट 6 बजे के बाद डालने नहीं दिया। कौन ऐसे लोग आ रहे हैं जो 6 बजे के बाद भी और आज तक वोट डालते जा रहे हैं और नून लीग ऊपर आती जा रही है? यहाँ तो हो सकता है बैलेट पेपर जो है नीचे चले गए थे कहीं जमीन में, वहाँ से वो निकाल के ला रहे हैं और वो निकाल पता नहीं क्या हो रहा है। और अगर कह रहे हैं कि जी हम लोग पूरा अमन एहतजाज कर रहे हैं अपने वोट्स के लिए, उसमें भी ला के इन्होंने पूरे की पूरी फौज सजा दी है यहाँ पे, भाई थोड़ा सा हिस्सा जाओ जरा जरा, भी एहतजाज का हिस्सा बनने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है सिस्टर आपका? इमराना। प्रोटेस्ट में शिरकत के लिए आई थी? जी आई। क्या तासुरात है, क्या देख रहे हैं? अभी हैं, अभी हैं, कब से मौजूद हैं? हम तो अभी आए हैं। क्या सिचुएशन देखी है जब से आए? बस पुलिस ही पुलिस है। क्या लग रहा है, कैसा मंजर देखा है आपने कभी हिस्ट्री में ऐसे देखा है कि इतनी पुलिस है? और अभी तक तो नहीं देखा है हमने, अभी देख रहे हैं जो कुछ देख रहे हैं फर्स्ट टाइम ही, सब कुछ नहीं अभी तो फिलहाल, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी आप गाड़ी में बैठे ना, बाहर नहीं निकल रहे शायद इसलिए? नहीं नहीं, निकलेंगे जरूर। अब बात ये है कि झुंड झुंड होता है, उस झुंड को भगाने के लिए उससे ज्यादा लोग चाहिए। जैसे ही लोग यहाँ पे इकट्ठे होंगे ये नजर भी नहीं आएंगे, पहली बात। और ये जो गुंडागर्दी है कितनी देर तक चलेगी? और जो आज अपना वोट पड़े हैं वो तो सब कह रहे हैं कि 8 को इतने वोट नहीं पड़े नून लीग को, जितने 9 को पड़ गए। अब मसला सिर्फ इतना है कि हम सब लोगों को मिलके एक यक आवाज़ होके बात अपना ना करनी चाहिए, जिससे
ना सिर्फ सियासी हालात ठीक हो, हमारी अपना इकोनॉमी एक डायरेक्शन में चले, उसके सर आपको नहीं लगता कि इन सब सिचुएशन को देख के दो सवाल जहन में आते हैं कि एक हम क्या हम वाकई आज़ाद मुमलिकत का हिस्सा हैं, और दूसरा ये कि प्रोटेस्ट करना, एक पुरअमन एहतजाज करना आपका फंडामेंटल राइट है। मेरे ख्याल से ना इस जवाब का सबसे अच्छा अपना जवाब पता क्या है, आप स्माइल करके ना उसके बाद कोई भी बात ना करें। उसकी वजह ये नहीं है कि कोई डरते हैं या हमको इनसे लेके खाते हैं, मतलब क्या चाहते हैं ये लोग, क्या ये चाहते हैं कि हम लोग को कीड़े मकोड़े हैं हमें मार दें, रोंद दें, चले जाएं, हम सबको लेके अपना सूखे दरियाए रावी में जाके फेंक दें, वहाँ पे उस इनकी अपना फिर भी ना इनका दिल भरे कोई समंदर में जाके हम सब आवाम को फेंक दें, और जो यहाँ पे हुकूमत करना चाहते हैं उनको अपना पूरा ये मैदान खाली दे दे और उनको बोले कि यहाँ पे हुकूमत करते रहे, ये तो कोई तरीकेकार ही नहीं है। आपने कितनी बार लाइफ में वोट कास्ट किया? मैंने बहन मेरी दो दफा किया, और मैं आपको एक बात बताऊं कि हम कराची से बिलोंग करते हैं, वोट मेरा इधर है। अच्छा, और हम लोग ये मेरा सिर्फ वोट कास्ट करने के लिए? जी जी, और हमारे बेटे का भी इस साल बना है, वो भी आया है। अच्छा, सिर्फ वोट कास्ट करने के लिए? और आपको पता है एयरलाइन की टिकट लाहौर कराची की कोई सस्ती टिकट तो नहीं होगी, एक बंदा आने जाने में मामूली बात है 60,000 रुपया खर्च करता है। मेरी पूरी फैमिली आई है, बेटा आया है, वालदा आई है, क्योंकि मैं पिछले 24 साल से लाहौर का रहने वाला हूँ, कराची शिफ्ट जरूर हो गया, वोट मैंने शिफ्ट नहीं करवाया, मैंने कहा मैं इधर ही डाल, उसके बावजूद इस तरह के हालात, आज मेरे बच्चे का पहला वोट था इस इलेक्शन में, क्या माइंडसेट वो करेगा? क्या इनसे बात कर सकते हैं हम? भांजा मेरा भांजा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और नीचे करना पड़ेगा आपको। अच्छा, कैसा देखा है आपने माहौल आके, पहली बार वोट कास्ट किया और क्या देखा? जैसा सोचा था वैसा ही देखा है, अंदाजा था कि ऑलरेडी दो साल से जो अपना मंजर इन्होंने बना रखा है पाकिस्तान में वही कंटिन्यू होगा, और वैसा ही हुआ, तो आई एम नॉट शॉक्ड। अफसोस फील करते हैं या फिर इस बात की खुशी है कि कम से कम वोट कास्ट किया है? नहीं, वोट कास्ट की है, वो तो मैंने सोचा कि हमें अपना कंकर शैतान को ज़रूर मारना चाहिए, तो वोट मैंने ज़रूर कास्ट किया, लेकिन बकायदा इनका अपना जो रवैया रहा वो मुझे ऑलरेडी था अंदाज़ा कि ऐसे ही रहेगा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक सीनियर सिटीजन मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने आए हैं सर, कब से मौजूद है? मैं यहाँ आया हूँ 15 मिनट पहले। 15 मिनट पहले जी, 2 बजे का पता चला था, पोस्टपोन हो गया, ये भी पता चला था? ये नहीं पता चला कि पोस्टपोन हो गया, मैं एहतजाज के लिए आया हूँ, और अच्छा हुआ कि आपने मुझे पूछ लिया, एहतजाज मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ अपना, और अगेंस्ट धांधली, इलेक्शन में धांधली, राइट, तो इस इंतहा की धांधली हुई है, इस इंतहा का झरलू फेरा गया इस इलेक्शन में, कि जिसकी इंतहा है, और लोगों को इकट्ठा नहीं होने दे रहे, ये देखें सारी लिबर्टी पुलिस से भरी हुई है, लोग नहीं है, लोग कम है और पुलिस ज़्यादा है, तो मैं यहाँ वीडियो बना रहा था एक पुलिस वालों की, तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया कि आप देखें अपनी उम्र देखें और अपने काम देखें, डिलीट करें इसे, वो मुझसे उन्होंने पकड़ के ज़बरदस्ती मेरी वो डिलीट कर दी। बहरहाल ये फोन वापस कर दिया आपका? फ़ोन मुझे वापस कर दिया, फ़ोन चलें शुक्र है, वरना यह तो जो मुल्क के साथ जो कर रहे हैं, जो ये सब कुछ कर रहे हैं, सबके सामने है। सर तो, आप सीनियर सिटीजन हैं, आपने कई हकूमती दौर देखे हैं, क्या कभी ऐसा निज़ाम देखा है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, ये मैंने भुट्टो दौर से ले कर आज तक मैंने तमाम दौर देखे हैं, तमाम अदवार मैंने देखे हैं, जनरल ज़िया के दौर में भी इस किस्म की जुल्म और बर्बरियत मैंने नहीं देखी जो अब हुई है। अब याद देखें ना कि रिज़ल्ट अनाउंस हो गया, एक 1,31,000 वोट ले लिया रिहाना डार ने, कैसे वो 1,01,000 पे आ गए, कैसे आ गए, ये बढ़ते तो देखे हैं, कम होते कभी नहीं देखे हमने, ये कम होते देख रहे हैं, सीटें बढ़ती हुई देखी हैं, कम होती हुई नहीं देखी, ये कम हो रही हैं सीटें। उनका उनके मुतालबात, वो जो कहते हैं ना, उनके मौकफ जब हमने सुने तो वो कहते हैं कि जी अभी 100% रिजल्ट ही नहीं आया था। 100% आया हुआ था रिजल्ट, 100 अनाउंस क्यों कर दिया, फिर कामयाब लिख दिया सारे एक चैनल पे नहीं, तमाम चैनल्स पे कामयाब करार दिया गया, और रिजल्ट कैसे होते हैं? अब ये रिजल्ट ऐसे होते हैं कि जो 100 सीटों से 95 सीटों पे ले आए हैं, ये रिजल्ट होते हैं, ऐसा होता है ये। मैं भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, और तमाम लोगों को भी चाहिए कि वो एहतजाज रिकॉर्ड कराएं अगेंस्ट झरलू,
अगेंस्ट झरलू, इस किस्म का झरलू ना कभी भुट्टो दौर में हुआ था ना मैंने उसमें देखा है, कभी कभी ऐसा नहीं हुआ।